देख रहे हैं अंबर टाइम। जीआरपी ने एक रेल यात्री के पास से तस्करी की आशंका में 85 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। उसके पास सोने के जेवर थे जिनका बिल नहीं होने से उससे पकड़ा गया। सोना जब्त कर अग्रिम जांच के लिए मामला जीएसटी व आयकर विभाग को सौंपा गया है। पुलिस के अनुसार आगामी त्योहारों एवं विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार एसपी इंदौर रेल निवेदिता गुप्ता द्वारा एसपी रेल इंदौर द्वारा ट्रेनों में सघन चेकिंग, स्टेशनों में फ्लैग मार्च, मुसाफिरखाना, आउटर प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन परिसर में संदिग्धों की चेकिंग, ऑटो चालकों से सघन पूछताछ, मादक पदार्थों के परिवहन व अवैध गतिविधियों की रोकथाम, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए दिए गए निर्देशों के तहत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 पर चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोने के आभूषणों की तस्करी कर रहा है तथा मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है। चेकिंग टीम ने उसकी तलाश शुरू की तो प्लेटफॉर्म 4 के फुट ओवर ब्रिज के नीचे से आरोपित 35 वर्षीय कमलेश सिंह पुत्र भुवानी सिंह निवासी पाली राजस्थान बैग लिए दिखा। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बैग में 1 किलो 56 ग्राम वजन के सोने के आभूषण हैं, जिनकी कीमत करीब 85 लाख रुपए है। उसके द्वारा बिल व दस्तावेज नहीं होने तथा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर सोना जब्त कर लिया गया। थाना प्रभारी बीएस देवरे ने बताया कि कमलेश सिंह ने सोना जब्त कर कागजी कार्रवाई पूर्ण कर मामला आगे की जांच के लिए आयकर व जीएसटी विभाग को सौंपा है। विधानसभा चुनाव और उसके त्योहारों के मद्देनजर चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर मिला जिसके पिट्ठू बैग की तलाशी ली, जिसमें 1 किलो 560 ग्राम सोना जेवर अलग अलग प्रकार के मिले। उन जेवरों के बिल और उसके बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसे लेकर समक पंचान विधिवत जब्त किया, लेकर थाने आए और आयकर और जीएसटी को सूचना दी गई। उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही, आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? ये रतलाम से बॉम्बे। कुल कितने आरोपी थे? एक आरोपी। जिला अस्पताल में पीजी के लिए आए एक नर्सिंग के विद्यार्थी की एक दिन की अनुपस्थिति के कारण रुके रिजल्ट को लेकर नाराज बागली के विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज ने रतलाम जिला अस्पताल में पदस्थ आरएमओ डॉक्टर प्रणव मोदी से मोबाइल फोन पर बात की। डॉक्टर मोदी ने उन्हें गालियां देने और धमकी मिलने की शिकायत रतलाम पुलिस कप्तान को की है। मामला 8 अक्टूबर का है जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन विधायक ने सिर्फ बात करने की बात कही और लगाए जा रहे आरोपों को झूठा बताया। इस मामले में आरएमओ डॉक्टर मोदी ने मीडिया को बताया। पुलिस को हुई शिकायत की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, मुझे बागली विधायक महोदय के द्वारा धमकी दी गई एक डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम के स्टूडेंट की अब्सेंट होने के बावजूद भी प्रेजेंट लगाने के लिए उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। तो मेरे द्वारा कहा गया कि भाई यदि स्टूडेंट के 90 दिन की ड्यूरेशन पूरी हो जाती तो हम अपने आप ही स्वतः ही उनको दे देते हैं। और भी हमारे पास 11 स्टूडेंट थे, सबकी हमने दे दी, जिनकी अनुपस्थिति थी उनकी छोड़ के सबकी दे दी है। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उसके बाद भी उनके द्वारा अभद्र भाषा में मेरे साथ बात की गई, माँ बहन की गाली दी गई और तुझे देख लूँगा करके, तेरा इलाज करा दूँगा करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी के विधायक अगर इस तरह से लोगों को धमकाएंगे तो बहुत ही ये खेद की बात है। अपने ही देश में जनप्रतिनिधि अगर अपने ही लोगों को इस तरह से डराएं, धमकी दें, गाली बकें तो ये बहुत ही गलत है। और मैं इसका मैंने इनकी शिकायत करी है एसपी साहब को। पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ पे उन्होंने शिकायत लेने से ही मना कर दिया कि बड़े व्यक्ति की हम शिकायत नहीं लेते हैं। एसपी साहब को मैंने आवेदन दिया है और वो रिकॉर्डिंग की सीडी भी उनको उपलब्ध कराई है। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एवं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों वाली इस पार्टी के को जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ उचित कार्रवाई, उचित निर्णय करना चाहिए उन्हें। और आम आदमी को सुरक्षा महसूस लगे अपने ही देश में, ऐसा माहौल होना चाहिए, ना कि भय का माहौल हो।
खेत से बाइक पर घर जा रहे एक युवक को निजी स्कूल की बस ने टक्कर मार दी। बुधवार सुबह हुए हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। खबर के मुताबिक बिलपांक के ग्राम खारी पलास निवासी विष्णु पिता नाना जी निनामा को घर जाते समय स्कूल बस ने टक्कर मार कर घायल कर दिया। हादसे में विष्णु की बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिलपांक थाना प्रभारी मुकेश सस्तिया ने बताया। एक युवक का एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण? ये एक मजरू है, विष्णु पिता नानजी निनामा निवासी खारी का, स्कूल बस के द्वारा टक्कर लगने से घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए परिजन रतलाम लेके आए हैं, जिसका कोविड आईसीयू में भर्ती इलाज चल रहा है। सर, किसकी बस थी, कौन से स्कूल बस? अभी ये बस नंबर वगैरह आ गए हैं। रानी सिंह में स्कूल है जो खारी में डेली बच्चों के लिए लेने जाती है। बस नंबर वगैरह अब कौन सी स्कूल से ये पता करवा रहे हैं। हादसे की जानकारी देते हुए परिजन ने बताया। नाम है आपका? लोना। कहाँ रहते हो? खारी। किसका एक्सीडेंट हुआ, कौन हुआ? किसका एक्सीडेंट हुआ, कौन? विष्णु का। कहीं से हुआ, कौन सी बस से? सिटी बस से। कौन सी, किसकी बस थी? सब बस तो वो कोई ठाकर की आती है रानी सिंह से। तो भी पहचानते हैं। रोज रात रहती है अपन खारी में। सुबह में गाड़ी से लेवा आता, बसा बसी भरी ले जाता। कहाँ से आ रहे थे ये? ये खारी से स्कूल जा रही थी। ये भैया कहाँ से जा रहे थे? भैया खेत से घर पे आ रहा है। कितने बजे की घटना है ये? 8:15 बजे। जिले में विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर इंटर स्टेट चेक पोस्ट निरीक्षण किया। बांसवाड़ा जिले से लगी हुई सीमा पर कुंडा जाम्बुखादन गड़ी कटारा कला चेक पोस्ट पहुंचकर निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली कार्रवाइयों की तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने चेक पोस्ट निरीक्षण के दौरान आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में दिशा निर्देशित किया। चेक पोस्ट पर स्टैटिक निगरानी टीम की तैनाती, टीम द्वारा किए जाने वाले कार्य की चेक लिस्ट बनाने तथा अन्य आवश्यक निर्देश दिए। वहां मौजूद एसएसटी दल के सदस्यों को ड्यूटी के दौरान सतर्कता बरतने, प्रत्येक गतिविधि को रजिस्टर में नोट करने, सावधानी के साथ वाहनों की चेकिंग, अनावश्यक रूप में किसी को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए। जिले के समीप राजस्थान की सीमा को छूते हुए 39 मतदान केंद्र पर प्रशासन की पहली नजर है। इसमें 20 बूथ जावरा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां चेकिंग प्वाइंट बढ़ाए गए हैं, और तीसरी आंख में आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। कलेक्टर और एसपी ने बाजना में बांसवाड़ा कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक भी की और इंटर स्टेट बाउंड्री पर अवैध शराब, अवैध धन और आपराधिक तत्व पर नजर रखने पर रणनीति बनाई। हालांकि अभी नवरात्रि में 4 दिन की देर है, लेकिन शहर में अभी से उत्सव का रंग चढ़ने लगा है। शहर के डालूमती चौराहे पर 3 दिवसीय चंडी का आयोजन मंगलवार रात से प्रारंभ हुआ। गुरुवार रात तक चलने वाले इस आयोजन में पुराने फिल्मी गानों पर झिलमिलाती रोशनी के बीच युवा तरुणाई से लेकर बुजुर्ग तक चंडिया खेलता नजर आ रहा है। पुरुषों के इस परंपरा वाला चंडिया प्राचीन समय से खेला जा रहा है, जो मनोरंजन के साथ धार्मिक मान्यता भी रखता है। Thank you.
देख रहे हैं अंबर टाइम।